जी हैप्पी 1 मिलियन रज्जब फैमिली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया। क्या नाम है चैनल का? फजल बुखारी फैमिली। फजल बुखारी फैमिली, अच्छा नहीं माँ जी, बहुत शुक्रिया, माफ़ी दुआ हैदर भाई, जज़ाकअल्लाह। आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। मोहम्मद शेख एंड करो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। हाय 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 हाय, हेलो हेलो, फैंकी, ये मोहम्मद की फैंकी है। मोहम्मद क्या हाल है, ठीक हो? ये आपकी फैंकी का क्या क्या आज फर्स्ट टाइम लाया हो नीचे आप इसे कि नहीं? पहले नहीं लाते आप? पहले कभी कभी लाते हैं, कभी कभी लाते हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ये मोहम्मद का बिल्ला है फैंकी, और ये मोहम्मद इसको माशाल्लाह इसकी बड़ी डाइट शेट का ख्याल रखता है। मोहम्मद ये कौन सी नस्ल का, ये पर्शियन कैट है? वाह, किधर जा रहा है ये? वे हेलो हेलो, इंट्रो भी करते हैं जी, इंट्रो भी करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल शुक्र और रहमत के साथ आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो ये है कि मोहम्मद अभी मतलब उठा था थोड़ी देर पहले ही हम, क्योंकि आज फ्राइडे है और 2-3 दिन से जो है ना वो नींद नहीं पूरी हुई थी। तो और कल की रूटीन आपके सामने थी, कल मैं सिस्टर की तरफ गया था भाई पर। तो ये है कि रात लेट सोए हैं, तकरीबन आलमोस्ट सुबह 3-3:30 बजे सोए हैं। तो अब थोड़ी देर पहले ही उठे हैं, व्लॉग स्टार्ट करना था, मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। नहा के मतलब नहा लिया मैंने, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, लेकिन रात वाली शर्ट पहन ली है, मैंने कहा चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद की फैंकी है, तो मोहम्मद का बल्कि फैंकी बिल्ला है। तो ये माशाल्लाह फुल हाय 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 हाय, फुल इंजॉय कर रहा है यार, है ना? तो इसको आप खुद नहीं लाते हो? हैं खुद नहीं लाते हो आप? हाय हाय, मैंने कहा मोहम्मद के फैंकी को जो ना वो बीच में ऐड करते हैं, क्योंकि मोहम्मद का फैंकी माशाल्लाह मोहम्मद की तरह प्यारा, मोहम्मद ये आपकी तरह प्यारा ही है। तो इसको कब लेके आए हो आप लोग? इसको हो गया कोई एक माह हो गया, कि ज़्यादा हो गया? मार्च में लाए थे जी, बिल्कुल ऐसी है, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया मोहम्मद लोग जो ना इसको लेके आए हैं। तो ये कि बस अभी उठे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज ईद का तीसरा दिन है, मेरी पूरी यूटी फैमिली को ईद का तीसरा दिन बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। और मौसम देखें माशाल्लाह, और लोकेशन भी क्या क्या बात है, ये देखिए माशाल्लाह सोसाइटी की लोकेशन है। तो अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया है, मोहम्मद नाश्ते का क्या सीन है? अभी करना है नाश्ता, सही है। तो मैं मोहम्मद से कह रहा था, मोहम्मद कहता मामू नीचे ना फैंकी को लेके चलते हैं, मैंने कहा चलें ठीक है। अब फैंकी को नीचे लेके आए हम, तो ये कि अभी बाजी नाश्ता वगैरह बना रही हैं, तो ऊपर जाके नाश्ता भी करना है। ऑलमोस्ट टाइम जो है वो 3:15 का हो चुका है, तो अभी हमने नाश्ता वगैरह नहीं किया, नाश्ता करना है जाके, फिर जो देखते हैं जो भी एक्टिविटी होती है वो इंशाल्लाह ऐड करते हैं। मोहम्मद फिर चलें ऊपर यार, हैं? मोहम्मद कहता मामू नीचे चलते हैं, नीचे जाके पार्क में जो है वो लोग ऐड करते हैं, उनका यार चलें ठीक है। तो ये इनका पार्क है मोहम्मद, ये पार्क आप इसमें क्रिकेट वगैरह खेलते हो? बड़े चक्के लगाते हो? कैसे, फिशके हैं? फिशके वहाँ विकेट लगाते हो? सही है, तो की बॉल घुमाते भी हो आपके? नहीं, वाह जी वाह। मोहम्मद कह रहा मैं वहाँ से मतलब शॉट लगाता हूँ, और वो मस्जिद का जो मीनार है ना, मतलब मस्जिद में बॉल चले जाती है, क्या बात है, सही हो गया। चलें जी अब ऊपर चलते हैं, अच्छा जी चलें चलें फिर ऊपर यार, आ जाओ चलें जी ऊपर चलते हैं अब। तो इंशाल्लाह फिर जाके देखते हैं नाश्ते में क्या है, वो फिर इंशाल्लाह जो भी एक्टिविटी होती है ऐड करते हैं। ले जी ऊपर आ चुके हैं, तो ये कि हम नाश्ता करना, नाश्ते से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं और चैनल सब्सक्राइब के बगैर मेरे वीडियोस या व्लॉग देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, या इस तरह ना किया करें। आप लोग मेरे मतलब व्लॉग देखते हैं लेकिन आप जो है ना वो मतलब लाइक और कमेंट वगैरह नहीं करते, तो लाइक कमेंट किया करें, ताकि जो हमारे हेटर्स हैं उनको मतलब आइडिया हो सके कि यार हमारे माशाल्लाह व्यूज़ के साथ साथ लाइक और कमेंट्स भी आते हैं। तो ये कि हम नाश्ता वगैरह करते हैं, तो उसके साथ हमारा जो 2K का मिशन चल रहा है, ऐप चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह 1.8 के राउंड अबाउट है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, जितने हो गए उस पर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, और जितने रह जाएंगे वो ईद के बाद भी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये माशाल्लाह नाश्ता है, ये हाँ जी कीमा मटर है,
और ये भी कोफ्ते टाइप सालन है, ये पराठा है और ये मोहम्मद की टंकी है। तो मोहम्मद अंदर गया हुआ है, ये कि नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कपड़े चेंज करते हैं, फिर देखते हैं जो भी एक्टिविटी होती है वो आपको बताते हैं। ये पराठा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये मटर कीमा भी मैंने डाल लिया। मज़ा आए। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता वगैरह कर लिया, अब ये है कि थोड़ी देर तक कपड़े वगैरह चेंज करते हैं चाय पी के, उसके बाद फिर रेडी हो गया आप इंशाल्लाह बात करते हैं। An hour later. नहीं जी, फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और ये मेहरून शर्ट पहनी हुई है और ये साथ शूज़ पैंट है। मोहम्मद यार ये जरा मेरी लुक दिखाओ, कैसी लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे अच्छे लग रहा हूँ। हाँ जी नहीं जी, ये मेरी फाइनल लुक है। तो आज क्योंकि ईद का तीसरा दिन है, जैसा कि पहले व्लॉग के स्टार्ट में बता दिया आपको, तो आपको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप मेरे बैक साइड पर मोहम्मद दिखाओ, जरा सूरज का व्यू दिखाओ, व्यू कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा। आपने व्यू देखा सूरज का? माशाल्लाह, कमेंट सेक्शन में बताइएगा सूरज का व्यू, मतलब किस किस ने इस तरह का व्यू देखा है। तो ये कि अब हम जा रहे हैं एक जगह पे और वो मतलब बड़ी फेवरेट जगह है और एक फेवरेट बंदे से मिलने जाना है। तो लेट्स सी, आप दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह कि हमारी मुलाकात हो जाए। अब निकलते हैं, तो मोहम्मद भी मेरे साथ है। तो मोहम्मद क्या हाल चाल है? ठीक हो? मोहम्मद की तो लुक आपने क्योंकि पहले देख ली है। तो ये माशाल्लाह मोहम्मद है, हम छत पर आए थे, तो ये व्यू देख सकते हैं आप, ये सूरज का व्यू है और ये सोसाइटी का व्यू है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो ये कि अब हम निकलते हैं, तो रास्ते में कोई मिठाई या कोई केक वगैरह देखते हैं, तो केक शेक लेते हैं। मोहम्मद केक लें या मिठाई लें? केक ले लें, चलें केक ले लेते हैं और फिर उस जगह पे पहुंचते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कहाँ पहुँचें। चलें मोहम्मद फिर रेडी हैं, ले जी हम निकलते हैं इंशाल्लाह, फिर रास्ते से देखते हैं किसी जगह से। मोहम्मद मिठाई कहाँ से लें आप, केक या मिठाई? बंदू कहाँ से लें, किसी और से? मामा भी किसी मतलब एक चीज़ का बता रही थी कि यार वहाँ से ले लें आप लोग। अच्छा चलें चलें जी, लेट्स सी निकलते हैं, चला बाइक लेते हैं अली भाई की, मैम हम निकलते हैं और जहाँ से मिठाइयाँ जो भी मतलब केक लेना वो लेते हैं, आपको भी साथ साथ जो भी एक्टिविटी होती है दिखाते हैं। A few moments later. कौन सा लें यार? ये सिंपल ले लें, पाइन एप्पल जिसके ऊपर कुछ लिखा भी जाए। यार ये कितने का केक? पाइन एप्पल कितने का? ये 2 pound है, 1590। और ये वाला? ये चॉकलेट डिलाइट है। ये कितने का? ये 1900। अच्छा, इसके ऊपर वेल्डिंग हो जाएगी, कोई लिखा जाएगा? चलिए ये दे दें फिर आप। ठीक है मोहम्मद, ये दे दें, इसके कुछ लिखवाना है हमने वो भी लिखवा लेते हैं। ये रेड वाला कितने का? हाँ जी रेड वेलवेट। चलिए आप यही दे दें, चॉकलेट वाला दे दें। ठीक है मोहम्मद, ले जी अब केक लेते हैं, इस पर कुछ लिखवाना है हमने। केक पे क्या लिखवा रहे हैं हम? हैप्पी 1 million रजब फैमिली। उससे शो तो हो गया होगा उनको कि हम किसके लिए लेके जा रहे हैं। चलें जी, ये केक पे लिखवा रहे हैं हम, तो इसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। लेकिन ये केक ले लिया हमने, तो इंशाल्लाह हम निकलते हैं। A few moments later. ले जी, आपको आइडिया तो हो गया होगा हम कहाँ आए हैं। तो हाँ जी मोहम्मद, किधर आए हैं हम? स्पेशल हम रजब भाई को मिलने आए हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं, लेकिन रजब भाई जो ना वो मतलब कह रहे हैं कि घर नहीं है, थोड़ी कहीं गए हुए हैं, तो उनका वेट करना पड़ेगा। तो ये माशाल्लाह उनकी सोसाइटी है, पार्क है यहाँ पे, और ये उनका घर है और ये गार्ड साहब बैठे हुए हैं। तो मोहम्मद फिर वेट कर लें यार हैं, तो ये क्या वेट करते हैं इंशाल्लाह। जैसे रजब भाई की सोसाइटी है और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। हैं मोहम्मद सारे बच्चे हैं मेरे साथ खेलने, हमारे साथ खेलें। ये रजब भाई का घर है, देखिए वो क्या सीन होता है। तो ये इंशाल्लाह देखते हैं थोड़ी देर तक, क्योंकि वेट करना पड़ेगा, अब आए तो हैं, अब मिलके भी जाना है और मिले बगैर तो मुझे रात 12 बजे तक भी यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो मैं रहूँगा। ठीक है मोहम्मद, अब मिलके जाना, जो मर्ज़ी हो जाए। ठीक है, 24 hour challenge इंशाल्लाह। उम्मीद है कि पहली मुलाकात हो जाएगी। ये बच्चे खेल रहे हैं, तो ये कि रजब भाई का वेट करते हैं इंशाल्लाह, जैसे ही रजब भाई माजी आते हैं इंशाल्लाह मिलते हैं। जी हम रजब भाई का और उनकी माजी का वेट कर रहे थे, तो हमारे पास उनके कुछ और फ्रेंड्स भी हैं, तो आए उनसे भी गपशप करते हैं। ये भी मेरी तरह मतलब उनको मिलने आए हैं, लेकिन ये मतलब व्लॉगिंग वगैरह नहीं करते, लेकिन स्पेशली इनकी मोहब्बत है कि ये भी मतलब रजब भाई को मिलने आए हैं, तो आए इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? अहमद हसन। तो आप इधर लाहौर के ही हैं? जी जी।
सही है। तो आप व्लॉगिंग नहीं करते तो आपको किस तरह मतलब ज़हन में आया कि यार रजब भाई से मिलना चाहिए? रजब भाई फेमस बंदे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे बंदे हैं, सिर्फ हम इनकी माजी के लिए मिलने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, माजी माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत पोलाइट खातून है। जी जी सही है। तो अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आपका क्या नाम है और किधर से आए हैं? जी खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो आप इधर लाहौर से हैं? आप भी? जी लाहौर से हूं, बेसिकली मैं अपने पास से हूं, वैसे रहता पंजाब में। अच्छा, मैं पहले सोच रहा था, मैंने कहा यार भाई की शक्ल और लैंग्वेज जो है ना वो लाहौर की नहीं लग रही, क्योंकि लाहौर का तो एक मतलब ये भाई लाहौर का लग रहा है, वो भी लग रहा है, मतलब एक लैंग्वेज से और एक शक्ल से ना बंदे को आइडिया हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि भाई लाहौर के नहीं है। सही है, आप एबटाबाद के बेसिकली? सही है। तो आप भी व्लॉगिंग नहीं करते? नहीं, मैं व्लॉगिंग नहीं करता। तो फिर किस तरह आपको भी ज़हन में आया कि यार अजय भाई माशाल्लाह मैं उनको उनका फैन हूँ? या हम तो चले व्लॉग देखते हैं ना, या व्लॉगिंग करते हैं? बेसिकली मैं टिकटॉक पे जो है ना अक्सर देखता रहता हूँ, और ज़्यादातर रजब भाई की मुझे वीडियोस आती हैं। सही। तो उनकी जो है फैमिली बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ज़्यादातर उनके जो वालदे हैं वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी खातून है, बहुत अच्छी खातून। मौला पंजतर बाग उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये रजब भाई के घर हम वेट कर रहे हैं। तो ये देखें, ये माजी ने यहाँ पे कुछ ये सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। तो ये बाकी भाई भी फ़ैन आए हुए हैं, ये गार्ड भाई बैठे हुए हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह कब तक आते हैं, क्योंकि हमें तकरीबन ऑलमोस्ट दो घंटे ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। तो ये भाई लोग भी काफ़ी देर से आए हैं। भाई ये कितनी देर से आए हो आप लोग? हमारे दो ढाई घंटे हमारे भी हो ही गए हैं आपके साथ। सही, आपके साथ ही में आए हैं। सही है, सही है। गुड हो, फैन है, हम इनके बहुत बड़े फैन है। बिल्कुल 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 ऐसे ही, रजब भाई बाकी जिंदाबाद है, माँ जी भी जिंदाबाद है। तो ये वेट कर रहे हैं हम, देखते हैं रजब भाई कब तक आते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि आज हमने तैयार किया हुआ, हमने हर हाल में जो है वो मिलके जाना लाजमी। गार्ड भाई जान अस्सलाम वालेकुम, भाई जान अस्सलाम वालेकुम, कोई रब्ता हुआ भाई से कि नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। कोई काइंडली टाइम बता दें, क्योंकि मैं स्पेशली जो ना फैसलाबाद से आया हूँ, और कल का आया हूँ मैं। टाइम 7 बज रहे हैं, कंफर्म नहीं है भाई वो किस टाइम आए हैं, किस टाइम नहीं, नहीं वेट तो कर लेंगे, वेट का इशू नहीं है, लेकिन वैसे ही करते हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देते। हाँ जी, किसी जगह ओपनिंग पे गए हैं? ओपनिंग में गए हैं, वो गए हैं फिलहाल तो दावत पे, दावत खाने गए हैं। बड़ा टाइम मेरे ख्याल से कि वो गए हैं उधर गजल आपी की तरफ, गजल आपी की तरफ भी गई है, की तरफ गया, उन्होंने कहा कि रजब भाई साथ ही हैं। चलें कोई नहीं जी, वेट तो करते हैं, वेट करना पड़ेगा, वेट के बाद ही हमने जाना है इंशाल्लाह। 2000 years later जी फाइनली माशाल्लाह रजब भाई आ चुके हैं। तो ये उनकी गाड़ी है सामने, और लेट्स सी जी, हम 4 बजे से वेट कर रहे हैं। क्यों अहमद ऐसे ही है? कैमरा खोला हुआ है उन्होंने, और हैदर भाई जो है वो व्लॉग में है। अस्सलाम वालेकुम, या इली मदद। हाँ जी क्या हाल है? फजल अब्बास फैसलाबाद से, खिलाफत भट्ट साहब के रेफरेंस से आपसे इतना बात है। अच्छा। मैं 4 बजे का वेट कर रहा हूँ। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ये भांजा मेरा मोहम्मद मालिक अश्तर, तेरे नाम के। तो काइंडली थोड़ी शफकत करनी है। हाँ जी, अच्छा जी, मुझे नहीं पता था कि आप लोग आ रहे हैं, तो मैं करती हूँ। मैंने वो मिनसा की मामा से मेरी बात हुई है, तो वो कह रही थी कि गए हूँ मैं कहीं। हाँ, तो मैं फिर स्पेशली जो है ना वो फिर आ गया, मैंने कहा माजी से मिलने जाके। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाली मदद, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है आपकी? मोहम्मद आओ मिलो, रजब भाई मोहम्मद मालिक अश्तर है। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, या इली मदद, ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है आपकी? 4 बजे से वेट कर रहे हैं हम, बस गए हुए थे, मुझे लगता है मूवी देखने गए हुए थे आप लोग। माशाल्लाह रजब भाई की गाड़ी है, तो ये मैं रजब भाई की गाड़ी के साथ खड़ा हूँ, तो मैंने कहा चलें व्लॉग वगैरह बना लें। मोहम्मद कैसा फील हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है कि नहीं? हो रही है ना, तो इंशाल्लाह कोशिश की है हमने, माँ जी से रिक्वेस्ट किया कि हमें ना आप अंदर बुलाएं, तो जैसे भी अंदर बुलाते हैं तो इंशाल्लाह अंदर जाके भी हमें केक भी काटने और मिलना भी है। ठीक है मोहम्मद, ओके। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जी जी माशाल्लाह हम रजब भाई के घर आ चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रजब भाई, या इली मदद, ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है। और रजब भाई बैठ सकते हैं जी, भाई प्लीज़, थैंक यू।
लास्ट टाइम भी आपसे रजब भाई मुलाकात हुई थी तकरीबन 2 माह पहले, सैयद फजल बुखारी फ्रॉम फैसलाबाद, तो आपने शाउट आउट भी दिया था, तो ये कि स्पेशली आपके लिए केक भी लाया हूँ मैं, तो हाँ जी आए, थैंक यू मोहम्मद। थैंक यू सो मच जी, हैप्पी 1 मिलियन रजब फैमिली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बहुत बहुत शुक्रिया और आपके आने का, आपके टाइम का, हर चीज का बहुत। जी जी मैं जरूर, क्या लोग क्या नाम है चैनल का? फजल बुखारी फैमिली। फजल बुखारी फैमिली, अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी रजा फैमिली एंड आप पर रजा फैमिली, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। ये भाई बहुत दूर से आए हैं, कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आए हैं और एक बड़े स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से आए हैं, इनका चैनल है फजल बुखारी फैमिली, फजल बुखारी फैमिली के नाम से। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुँच जाए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई के चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और भाई के ब्लॉग देखा करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपको सेहत और तंदुरुस्ती अदा फरमाए, बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह। मोहम्मद शेख एंड करो, ले वैस भाई बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह। खुश लो बाद में मेरा बच्चा, अल्लाह पाक कामयाबियां दे मोहम्मद। हां जी इलाही आमीन, इलाही आमीन, मेरे पास से क्या खूब तरक्की दे मोहम्मद, बेशक इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया रजब भाई, जज़ाकअल्लाह खैर, जज़ाकअल्लाह। ले मां जी अल्लाह हाफिज़। ले जी हम जा रहे हैं रजब भाई के घर से, मुलाकात हो चुकी है, तो रजब भाई की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। ले ब्रो फिर, शुक्रिया यार, थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने बहुत बहुत टाइम दिया हमें, थैंक यू, मेरे चैनल को शेयर भी करना, ये हमारे 4 बजे से लेके ऑनवर्ड के साथी हैं। ठीक है फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, सब्सक्राइबर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, चले चले मोहम्मद फिर, ओके ओके अल्लाह हाफिज़। जी फाइनली होम स्वीट होम, होम घर पहुँच चुके हैं हम। मोहम्मद कैसी एक्साइटमेंट हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है मोहम्मद, मेरा माइंड है यार ऊपर मामा लोगों से कहेंगे भाई हमारी मुलाकात नहीं होती, नहीं बल्कि मैंने ऊपर मेहमान भी हैं तो हम उनसे कहेंगे हमारी मुलाकात होगी। ठीक है तो ये कि ये मोहम्मद है, हम ऊपर जा रहे हैं तो जाके थोड़ा रेस्ट कर लें, रिफ्रेश हो जाएं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। ये है फैंकी, फैंकी जो है वो नींद अपनी पूरी कर रही है। हेलो फैंकी। नहीं जी हमारी एनर्जी से और जज्बे से पता लग रहा होगा कि माशाल्लाह हम रजब फैमिली से मिला है से, माशाल्लाह स्पेशली उन्होंने मतलब हमें प्रोटोकॉल दिया अंदर और हमने केक कटिंग भी की 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की, ईद का भी वो बीच में हो गया, तो ये अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो है ना वो मेरे जो कज़न है फैजी भाई, और उससे ज़्यादा शुक्रिया शराफत भट्ट साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनकी बदौलत जो है वो मतलब इतना प्रोटोकॉल मिला। लेकिन माँ जी की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, माँ जी कहती हैं कि यार आप मेरे बेटे हैं, आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं और आप सैयद हैं, इससे बढ़ के हमारे लिए कोई मतलब सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरे बच्चे हैं तो आए आपको ना अंदर फ्री होकर थोड़ी देर तक आपका आप मतलब केक वगैरह काटते हैं। तो ये माशाल्लाह उनका बहुत बहुत शुक्रिया था और उनकी मोहब्बत ही। और आप देख रहे होंगे कि मैं रजब भाई के घर जब एंटर हुआ तो मैं फुल कन्फ्यूज़ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यार क्या करना है क्या नहीं, लेकिन फिर भी जो दिन में आया मैं मतलब बोल लिया। और मोहम्मद का भी बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद आपने मेरा क्लिप बनाया, तो कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है ना, एनर्जी आपके अंदर आ रही है कि नहीं? बहुत ज़्यादा आ रही है। तो वहाँ पे जो हमारा टाइम स्पेंड हुआ है माशाल्लाह, हम 4 बजे 4:30 के गए हुए थे, तो वहाँ पे ना मतलब बड़ा इंजॉय किया। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे ना 3-4 लड़के आए हुए थे, उनसे हमारी गपशप हो रही थी और मैंने जब उनको अपने चैनल के बारे में बताया ना, तो उनमें से एक बच्चा, खुदा शाहिद है मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठे पे अल्लाह की लानत हो, एक बच्चे ने, एक लड़के ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था और वो उसने कसम खा के मतलब कहा कि भाई मैंने सिर्फ यूट्यूब पे आपका चैनल सब्सक्राइब किया, आपके अलावा मेरा आप हिस्ट्री में देख लें मैंने किसी को फॉलो नहीं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है, बड़े ऑनर की बात होती है, मैं उसी में बड़ा खुश हो गया था। तो वो भाई बड़ा अच्छा था, पीछे से वो एबटाबाद का है, तो वो भी व्लॉग में है तो आपको वो आइडिया हो गया होगा। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा आज का दिन रहा, जितना हमने वेट किया अल्लाह ताला ने उस वेट का बहुत अच्छा सिला दिया हमें। तो मोहम्मद क्या सूरत हाल है फिर? जी मोहम्मद तो माशाल्लाह फ्रेश हो गया और इजी हो गया, मोहम्मद कहता है जी मैं अब कपड़े चेंज कर लूँ। मोहम्मद कैसा लगा आपका आज का एक्सपीरियंस, थोड़ा सा मुझे बताएं आप मेरे फैंस को।
थोड़ा ऊंची आवाज में। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और क्या एंजॉय किया आपने? एक तो पिक्चर लेके बहुत मजा आया, और अंदर जब हमने केक काटा उसमें भी आप मतलब वीडियो बना रहे थे तो पिक्चर में भी आया। कैसा लगा आपको जब केक कट किया उन्होंने? मजा आया ना। नहीं जी, अल्लाह ताला का शुक्र है यार, लाख लाख। और रजब फैमिली का मैं बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना मुझे अंदर मतलब बुला के, क्योंकि बाहर बहुत फैमिली थी, बहुत रश था, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था मतलब मैनेज करना। लेकिन ये माजी की मोहब्बत है, क्योंकि रजब भाई ऐसे ही आए, सारे दोस्त अहबाब रजब भाई की तरफ चले गए, मैं माजी के पास गया, उनको सारा मैंने अपना रेफरेंस दिया और बताया, तो ये उनकी मोहब्बत है। मौला पंचन पाक रजब फैमिली को मजीद तरक्की दे, और अल्लाह ताला जो है वो मुझे भी तरक्की दे। मैं जिस काम में, जिस मिशन में मैं मतलब मैं अपना मिशन शुरू किया हुआ है, अल्लाह ताला मुझे उस मकसद में कामयाब करे। ठीक है मोहम्मद, फिर आप व्लॉग एंड कर लें जी, आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे होता क्या है, अच्छे अच्छे व्लॉग, अच्छी अच्छी वीडियो आपको फौरन मिल जाती हैं। तो ये हमारा फ्रेंकी मोहम्मद का, और ये सोरा इंजॉय कर रहा है, और ये मेरा मोहम्मद है। तो आज मोहम्मद ने इंजॉय किया, तो मोहम्मद का माशाल्लाह इमोशनल जो था ना उसका मतलब उसकी बात मोहम्मद का था, मामू कोई नहीं आप केक लें, महंगा भी होगा ना तो केक मेरी तरफ से हो जाएगा। तो ये मतलब कितनी क्यूटनेस और कितनी मतलब एक वो अच्छी बात होती है। मैंने कहा नहीं नहीं मोहम्मद, ऐसा कोई मसला नहीं आया, मेरा केक आपका केक ही है। तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। तो ये कि आज का भी लोग यहाँ पे करते हैं एंड। अब खाना छाना खाना, फ्रेश भी होना है, क्योंकि माशाल्लाह खुशी इतनी है कि मतलब दिल ही नहीं करा कुछ खाने को। बाजी ने आते पूछा कि फसल खाना छाना, मन कर नहीं खाना खाना है, लेकिन भूख नहीं है, लेकिन फिर भी खाना तो है। तो ये कि आज का भी लोग यहाँ पे करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मोहम्मद भाई का। तो अल्लाह हाफिज़। I got a